लॉकडाउन के पहले की बात है, पापा मुझे एक अंकल के घर पे लेके गए थे, हमारे रिलेटिव के घर पे। जाते अंकल ने पूछा, बेटा आपका जॉब कैसा चल रहा है? पापा ने जवाब दिया कि इसने रेजिग्नेशन दे दिया है। अंकल चौंक उठे, क्यों? तो पापा ने कहा कि इसको दीक्षा के भाव हो गए हैं, इसलिए इनको साध्वी जी के पास जाना है। तो उसने डिसीजन ले लिया और उसने रेजिग्नेशन दे दिया। अंकल का जैसे पूरा फेस ही बदल गया। अंकल ने कहा, अरे इतनी अच्छी जॉब थी, इतना अच्छा स्टेटस, पे भी अच्छा था, तो फिर क्यों रिज़ाइन किया? संसार में रहकर यहाँ पे समाज सेवा करो, साधु साध्वी दीक्षा लेकर के सिर्फ खुद की आत्मा का कल्याण करते हैं। अगर आप जैसे सब पढ़े लिखे लोग दीक्षा ले लेंगे तो समाज का क्या होगा? मैं कुछ जवाब दूँ? उसके पहले तो अंदर से एक जोर से आवाज़ आई। हम सब भागे, जाके देखा तो एक बच्चे ने घर के पूरे कांच तोड़ दिए थे। अंकल ने पूछा, अरे ये क्या किया? सामने से आंटी ने जवाब दिया कि इसका दिमाग जैसे चल ही नहीं रहा है, इतना गुस्सा, सामने जवाब देता है और कुछ बोल दो तो बस इसे तोड़ फोड़ करता है। पता नहीं डिप्रेशन के सिम्टम्स है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल ने कहा, अपने नीचे जो वो आचार्य भगवंत है ना, उनको दिखाते हैं, सब लोग बोलते हैं कि वो वास्तुशिप डालते ना कमाल हो जाता है। मैंने मन में सोचा, अरे अभी तो बोल रहे थे साधु साध्वी कुछ नहीं करते, और अभी बोल रहे हो कि इतनी छोटी सी बात के लिए भी उनको जाके दिखाओ। कुछ कहा तो नहीं, बस मन में ये विचार लेके घर आ गई। भाव आए तब से लेके दीक्षा का मुहूर्त निकला तब तक ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए। बस ऐसे लगता है कि अभी जवाब देना चाहिए, नहीं दिया गया तो आपकी गलतफहमी बहुत आगे बढ़ जाएगी। आज 15, 20, 30, 25 जो भी 60, 70 जो भी साल के लड़के या लड़कियां, भाई बहनों ये वीडियो देख रहे हो, आज मैं आपसे पूछती हूँ, लेट मी पुट इट इन योर वर्ड्स, आपकी भाषा में आपको समझाती हूँ। आज समाज में रहकर आपने कितनी समाज सेवा की? चलो कोई एक ऐसा है जो मुझे बोल सकता है कि पानी की स्कैर्सिटी देख करके किसी ने ऐसे सोचा कि बस आज के बाद पानी कम से कम यूज़ करेंगे, अरे घर के पूरे शावर क्लोज कर देंगे, या फिर बस बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे? किसी ने ऐसे सोचा? गरीब बच्चे फुटपाथ पर भूखे पेट सोते हैं, किसी ने उनको देखकर ऐसे सोचा आज के बाद अन्न का एक दाना वेस्ट नहीं करेंगे? या फिर निर्दोष बेचारे वो पशु और पक्षी कटे जाते हैं दिन में लाखों हजारों, किसी ने उनको देखकर ऐसे सोचा कि उनको काटने के बाद जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, हमको जो हम जो परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, उन परफ्यूम्स का त्याग, उन प्रोडक्ट्स का त्याग किसी ने ऐसे किया? ग्लोबल वार्मिंग की कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, किसी ने कभी ऐसे सोचा आज के बाद एसी बंद, रेफ्रिजरेटर बंद? नहीं ना, ठंडे पानी के बिना चलता नहीं है, इतनी गर्मी है, रात को एसी के बिना नींद कैसे आएगी? बस इतना ही ना, किसी का हाथ ऊपर हुआ कि नहीं मैंने ये नियम लिया? आपको शायद सोचने के लिए टाइम चाहिए होगा, लेकिन इस तरफ अगर मैं बोलूँ ना, एक साधु और साध्वी संसार से दूर रहकर संसार के लिए क्या करते हैं, तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। परम पूज्य युग प्रधान आचार्य सम चंद्रशेखर विजय जमायर साहब के समय में गवर्नमेंट से ऐसा प्रपोजल आया था कि 56,000, आँख खुली रखिए कान खुले रखिए, 56,000 जितने नए कत्लखाने बनने वाले थे, ऐसा प्रपोजल था। साहिब के होश उड़ गए, अरे हिंदुस्तान में, इंडिया में ऐसी चीज़ कभी नहीं, समाज का क्या होगा? वो साधु थे, उनको समाज की कोई पड़ी नहीं थी, बट फिर भी समाज का क्या होगा? जी जान एक कर दी, खून पसीना एक कर दिया, उस ऑफर का, उस प्रपोजल का एक भी एक्सेप्टेंस नहीं आने दिया। वो ही मारे साहिब के निश्रा में उनकी ही प्रेरणा से तपोवन भी बनवाया गया नवसारी और अहमदाबाद में। वो तपोवन के बच्चे, लाखों हजारों लड़के, आज क्या संस्कार है उनमें, क्या जिन शासन का खून है उनमें, क्या माता प्रति के
माता पिता के प्रति उनका अहोभाव है, वो तपोवन की नींव चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब। आज पूज्य रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहिब, उनके सामने भी एक प्रपोजल आया था। उन्होंने भी ध्यान में रखा था कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ अडल्ट एजुकेशन सिलेबस में इंट्रोड्यूस कराने की सोच रहा है, वो भी कॉलेज के बच्चे नहीं, स्कूल के बच्चे, सातवीं कक्षा में, आठवीं कक्षा में पढ़ते हुए बच्चों के लिए। साहिब को सब ध्यान था, संसार में कितने रेप हो रहे, साहिब को लगा ये ठीक नहीं है, आने के बाद और भी शायद खराब हो सकती है चीज़ें। साहिब ने तुरंत एक्शन लिया और वो प्रपोजल रिजेक्ट करवाया। जिसके पास मैंने पढ़ाई की है, ऐसे पूज्य गुणहंस विजय जी मारे साहिब गुजरात में साहिब थे, पता चला कि साउथ में लोगों को ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, उनकी लाइफ में धर्म की बहुत ज़रूरत है। 2000 उससे भी ज़्यादा किलोमीटर विहार करके गुजरात से साउथ में आए, चेन्नई में पधारे साहिब। क्यों? उनकी साधना उधर नहीं हो रही थी, वो तो उनके आत्मा का कल्याण करने निकले थे ना, उधर नहीं हो रहा था, आपको ऐसे लगता है? नहीं, हमारे लिए आए ताकि हम पढ़े, हमें कुछ समझ में आए, हमारी लाइफ अच्छी बने, उसके लिए साहिब आए थे। आज उदय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब, उनके निश्रा में PYS सेशंस होते हैं, स्पेशली यूथ के लिए, छोटे बच्चों के लिए, यंगस्टर्स। जो बातें माता पिता घर पे नहीं समझा सकते, अरे बच्चे सुनते नहीं हैं, वो सब चीज़ें एक महाराज साहिब बच्चों को सिखाते हैं, उनके लाइफ में डालते हैं। अगर आपकी लाइफ आज हैप्पी है ना आपके बच्चों से, तो शायद उसका श्रेय आपको उदय वल्लभ महाराज साहिब को भी देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे काम साधु करते हैं, साध्वी जी भी कुछ कम नहीं है। उनके निश्रा में जब शिविर होते हैं ना, इतनी सारी बहनें आती है, उनको सिखाया जाता है कि बेटा ये गलत है, हमारे संस्कार ये है, उनको व्यसनों से दूर किया जाता है, दारू शराब गुटखा हुक्का नहीं, समझाया जाता है। उसके लिए भी एक साध्वी जी को श्रेय देने जैसा है। ये सब कार्य, ये तो बहुत कम है, लेकिन ये सब कार्य वो साधु और साध्वी संसार से दूर लेकिन संसार के लिए करते हैं। आज उपाश्रय में देखें ना, एक भाई आता है, बहन आती है, साहिब बच्चा कुछ बात ही नहीं मानता, इतना गुस्सा करता है, कुछ समझ नहीं आता, क्या करूँ? साहिब कोई वास्त्रशेप दे दो ना, साहिब कोई जाप दे दो ना, प्लीज़ साहिब। तब तक तो कोई और आता है, साहिब लड़का 30 साल का हो गया है, शादी ही नहीं हो रही है साहिब। वो भी साहिब करे, चलो ये तो मतलब बोलते हैं कि साहिब कुंडली देखो ना, कुछ पता चल जाए। तब तक कोई और आता है, साहिब आपने वो जो मंत्र दिया था ना, उससे शादी तो हो गई, अभी बच्चा नहीं हो रहा है। मतलब ये सब आपके संसार के मैटर्स, वो भी एक साधु साध्वी सॉल्व करे, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, अरे गौशाला में भी साधु और साध्वी पैसा पहुंचाते हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी समाज के साधु और साध्वी सॉल्व करते हैं, क्यों आपको पता नहीं चलता? सोचने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि शायद संसार में हर चीज़ है ना पैसे से तोली जाती है। जिस चीज़ का पैसे का हो ना, पैसे ज़्यादा जाते हो ना, वहाँ पे वैल्यू दिखती है। कोरोना की ही बात ले लो ना, डिमांड डॉक्टर्स की, वैक्सीन की इतनी ज़्यादा, तो बस हाँ वो इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर्स की वैल्यू बहुत है, इतने पैसे खर्च होते हैं ना उसके लिए। उसके बाद ब्रांडेड कपड़े लो तो पैसे ज़्यादा, पैसे ज़्यादा दे रहे हो ना मतलब चीज़ अच्छी होगी क्योंकि ब्रांडेड है। अरे स्कूल का एडमिशन भी करने जाओ ना, कितनी भी अच्छी स्कूल हो, लेकिन अगर डोनेशन मांगते हैं ना कि इतने पैसे दे दो, इतना फीस पे कर दो, डोनेशन मांग रहे हैं ना मतलब पैसे ज़्यादा, मतलब अच्छी स्कूल होगी। हर चीज़ को हम पैसों से ही वैल्यू करना सीखे हैं। सच बात कहूँ ना, आपकी जेब जब तक खाली नहीं होती ना, जब तक हल्की नहीं होती ना, तब तक यहाँ पे पता नहीं चलता कि उसकी वैल्यू कितनी है। दिन में 100-150 जितने लोग आते हैं साधु साध्वी के पास, जो प्रभावक होते हैं ना, आचार्य महाराज से बोलते हैं ना बड़े, उनके पास तो शायद और भी आते होंगे, 90% लोग उसमें से एक ही बात, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बिना कोई पैसा, बिना कोई नाम, पैसा नहीं नाम नहीं, दोनों के बिना खुलेआम काम करते हैं साधु और साध्वी। आप ही मुझे बताओ ना, सच्ची समाज सेवा क्या है? आज मैं समाज में रहूँ, वृद्धाश्रम बनाऊं,
वो सच्ची समाज सेवा या फिर संयम लेकर लोगों को ऐसे संस्कार दो कि कोई वृद्ध आश्रम में जाए ही ना, वो सच्ची समाज सेवा। यहाँ पे रहकर कैंसर हॉस्पिटल बनाओ या फिर संयम लेकर लोगों को समझाओ सात व्यसन दारू गुटखा हुक्का अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए, तो हॉस्पिटल में कोई जाए ही ना, वो सच्ची समाज सेवा। अरे समाज में रहकर पुलिस स्टेशन बनवाओ ताकि क्राइम कंट्रोल हो या फिर लोगों को पाप से ही मुक्त कर दूं, वो सच्ची समाज सेवा है। आप ही बताइए। हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट नहीं रहे हैं, समाज की सेवा से हट नहीं रहे हैं, लेकिन संयम लेकर निस्वार्थ भाव बने समाज सेवा करने के लिए तत्पर बनने जा रहे हैं। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे इस एफर्ट को रिकॉग्नाइज करो ना करो, पहचानो ना पहचानो, अरे थैंक यू बोलो नहीं बोलो, इट्स रियली ओके, कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन कल जाके अगर कोई मुमुक्षु कोई संयमी आपके दरवाजे पर आए, आप उसे ये मत कहना कि बेटा समाज सेवा के लिए रुक जा, बस ये कहना कि जा, जितनी समाज सेवा तू कर पाएगा ना, शायद मैं इधर रहकर नहीं ही कर पाऊँगा। बस इतनी ही इच्छा है, इतनी ही तमन्ना है, आप पूरी करोगे ना? जिन आज्ञावृत कुछ भी कहा हो तुम इच्छा में बिगड़ो। जय जिन शासन, जय महावीर। चारित्र धर्म निवंदना, श्रमण धर्म निवंदना, संयम धर्म निवंदना।